Assalamu alaikum. How are you guys? I hope you are all fine. Grade 7 Mathematics. Second week ka ye humara lecture 1 hoga. Aur jo first, agar isko thoroughly karein to ye humare paas lecture 6 hoga. Isme hum apni exercise 1A start karenge. एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हमने बाय एंड बाय डिस्कस किए थे. अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे. तो एक्सरसाइज है आपकी 1A. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम आर कंपोजिट नंबर. आपने आपको नंबर्स गिवन है, आपने उन नंबर्स को देख के उनके ऊपर कोई मेथड अप्लाई करके ये बताना है कि ये कंपोजिट है या आपके पास प्राइम नंबर है. तो इसको चेक करने के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना. जो आपके पास कंपोजिट नंबर होता है उसके मोर देन टू डिवाइजर होते हैं, और जो आपके पास प्राइम नंबर होता है इसके एग्जैक्टली टू डिवाइजर होते हैं, नंबर इटसेल्फ और वन. तो 87 आपके पास एक ऑड नंबर है, ये टू पे डिवाइड नहीं होगा. और अगर मैं चेक करूं इसके डिजिट्स का सम क्या है, 8 + 7 विच इज इक्वल टू 15. 15 इज डिविजिबल बाय 3. तो आप जरा चेक करें, इसका 1 भी डिवाइजर है 187 टाइम, इसके बाद इसका 3 भी डिवाइजर है, और इसका आपके पास 87 भी डिवाइजर है. 3 से भी इसको चेक कर लेते हैं, आपका प्रूफ हो जाए. 3 2 टाइम, रिमाइंडर 2 इसको बना देगा 27, 3 9 टाइम. तो इसके 3 डिवाइजर तो हमें मिल गए हैं. अगर हम चेक करें तो इसके फर्दर भी जो डिवाइजर है हमारे पास आ सकते हैं. 87 हैज 2 divisors. 87 is a composite number. इसके ऊपर आप डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करें, इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड नहीं होता. तो 2 पे आपका नंबर कौन सा डिवाइड होगा जिसके एंडिंग डिजिट 0248 होंगे, और 3 के लिए आप इसके डिजिट्स को ऐड करें. अगर डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल है तो नंबर इटसेल्फ भी डिविजिबल होगा. और अगर ये 2 3 से नहीं होता फिर इसको 5 से चेक करें. 5 के लिए आपके पास ये मेथड होता है कि एंडिंग डिजिट 0 और 5 होने चाहिए. अगर 0 और 5 एंडिंग डिजिट हो तो ये आपका नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 होता है. फिर 7 चेक करें, फिर 11 और 13. अगर 13 तक आपका नंबर किसी भी चीज पे डिवाइड नहीं हो रहा तो वो आपका जो है एक प्राइम नंबर होगा. तो 87 के हमारे पास 3 डिवाइजर आ गए हैं आराम से. एक 1 है, एक 87 है, और 3 से भी मैंने चेक किया तो ये 3 पे भी डिविजिबल है. तो ये आपके पास एक कंपोजिट नंबर है. फोर है, इनमें से एक और करते हैं. एक और एग्जांपल जो है वो मैं बी ले रहा हूं जो कि 67 है. इसका एंडिंग डिजिट है आपके पास 7. सो 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. डिजिट्स को ऐड करें, 6 + 7 इक्वल टू 13. 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा. एंडिंग डिजिट क्या है, एंडिंग डिजिट इज 7. सो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5. और ये 7 पे भी नहीं होगा, 11 पे भी नहीं, सॉरी ये 11 पे डिविजिबल, हाँ 11 पे भी डिविजिबल नहीं होगा, 13 पे भी डिविजिबल नहीं है. तो नंबर आपके पास क्या होगा,
67 is a prime number. सारे मेथड्स को आप इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, टू पे डिविजिबल नहीं है, इसका एंडिंग डिजिट 7 है, 7 एक आपके पास होता है ऑड नंबर, 3 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 13 है, 13 जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं होता, एंडिंग डिजिट 7 है तो 5 पे डिविजिबल नहीं है, 7 पे भी डिविजिबल नहीं है, 11 पे भी डिविजिबल नहीं है, 13 पे भी डिविजिबल नहीं है, तो जो नंबर 2 3 5 7 11 13 पे डिविजिबल नहीं होगा वो किसी पे भी डिविजिबल नहीं होगा, वो 1 पे होगा और नंबर इटसेल्फ जो कि आपके पास प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, तो ये नंबर आपके पास प्राइम नंबर होगा। तो इस वजह से हमने इनको चेक कर लिया कि नंबर आपके पास कंपोजिट है या प्राइम है। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हम अगर चेक करें तो सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड राइट योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। जो भी नंबर गिवन होगा उसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में जो है लिख देंगे। तो मैं इसमें सी को ले रहा हूं फर्स्ट, सी है आपके पास 336 फर्स्ट टू जो है वो आपकी स्मॉल वैल्यूज हैं, वो आप खुद कर लेंगे, एंडिंग डिजिट 2 है तो ये डिविजिबल होगा 2 पे, एंडिंग डिजिट 6 है, सॉरी 6 इज अ प्राइम सॉरी इवन नंबर सो 6 कैन बी डिविजिबल बाय 2, तो ये आपके पास होगा 2 1 टाइम 2 6 टाइम एंड 2 8 टाइम, अगेन 8 एक आपके पास इवन नंबर है 2 पे डिविजिबल होगा 2 8 टाइम 2 4 टाइम, 4 डिविजिबल होता है 2 पे, एंडिंग डिजिट 4 है तो इसको 2 पे डिवाइड करें 2 4 टाइम एंड 2 2 टाइम, 42 भी एक इवन नंबर है 2 पे डिविजिबल होगा 2 टाइम 2 1 टाइम, 21 आपके पास एक ऑड नंबर होता है 3 पे डिविजिबल होगा 3 7 टाइम, और ये 7 आपका एक प्राइम नंबर है तो 7 पे डिविजिबल होगा 7 1 टाइम। इसके फैक्टर्स को राइट करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ये चेक करें तो 2 1 टाइम 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, बेसिस सेम है तो इनकी पार्स क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 3 पार 1 और 7 पार 1 में कोई मैच नहीं है तो ये एज इट आपके पास आ जाएंगी। नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद उसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में हमने राइट कर दिया, ये बात हम ऑलरेडी जो है इसकी प्रैक्टिस नो एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। अब इसमें लास्ट पार्ट जो कि डी है, लास्ट पार्ट जो कि आपके पास इसमें डी है 630, इसकी अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, 630 एंडिंग डिजिट 0 है तो ये डिविजिबल होगा 2 पे, 2 3 टाइम 2 1 टाइम 2 5 टाइम, अब इनके डिजिट्स को ऐड करें 3 प्लस 1 6 6 सॉरी 3 प्लस 1 4 4 प्लस 5 9, तो 9 डिविजिबल होगा 3 पे, 3 1 टाइम एग्जैक्टली डिविजिबल है तो हम अपने पास से 0 लगा लेंगे 3 5 टाइम, और 105 जो है ये भी अगर आप डिजिट्स को ऐड करें तो सम ऑफ डिजिट 6 होगा तो 6 3 पे डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करें 3 3 टाइम एंड 3 5 टाइम, 35 के डिजिट्स को ऐड करें तो 3 प्लस 5 8 ये 3 पे डिविजिबल नहीं होगा, इसको 5 पे करें, एंडिंग डिजिट 5 है 5 7 टाइम, 7 एक प्राइम नंबर है तो ये 7 पे ही होगा 7 1 टाइम, 630 इसके फैक्टर्स को राइट करेंगे 2 × 3 × 3 × 5 × 7, 2 का और कोई मैच नहीं है ये एज इट आएगा, 3 पार 1 3 पार 1 पार z हो जाएंगे 3 पार 2,
5 भी एज इट, 7 भी एज इट। ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है 630 की, जो हमने फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म दे दी है। जो भी फैक्टर्स आएंगे इनमें से जिनकी बेसिस सेम होंगी उनकी पार्ट्स को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म आ जाएगी। अब क्वेश्चन थर्ड है, इसमें आपने फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द फॉलोइंग्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें आपके पास एक में स्क्वेयर 4 इसके पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स स्क्वेयर रूट के हैं, 2 क्यूब रूट के। मैं एक स्क्वेयर रूट का सॉल्व करूंगा और एक क्यूब रूट का सॉल्व करूंगा। स्क्वेयर रूट का मैं फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, ये बड़ी वैल्यू है 1764 है। तो फर्स्ट आपको इसकी फाइंड करनी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन 1764। एंडिंग डिजिट 4 है तो ये इवन नंबर होगा, इसको आप डिवाइड करेंगे फिर 2 पे, 2 8 टाइम रिमाइंडर 1:16 बना देगा, 6 के साथ कंबाइन होके आपके पास आएगा 8 टाइम, और लास्ट 4 है 2 टाइम, अगेन ये 2 पे डिविजिबल होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 4 टाइम 2 4 टाइम 2 1 टाइम। अब इसके डिजिट्स को ऐड करें, 4 + 4 8 8 + 1 9 होगा, तो 9 जो है वो 3 पे डिविजिबल होता है, 3 1 टाइम, रिमेनिंग 1 = 14 बना देगा, तो ये आपके पास आएगा 3 4 टाइम, और आपके पास रिमाइंडर 2 होगा, वो 1 के साथ कंबाइन होकर 21 बन जाएगा, 3 7 टाइम। अब इसके डिजिट्स को ऐड करें, 1 + 5 1 + 4 5 5 + 7 12, 12 भी 3 पर डिविजिबल होता है, 3 4 टाइम, रिमाइंडर 2 इसे 27 बना देगा, 3 9 टाइम। अब 49 आपके पास जो है एक कंपोजिट नंबर होता है, 3 पर डिविजिबल नहीं होता, 5 पर भी डिविजिबल नहीं होता, ये 7 पर डिविजिबल होता है, 7 7 टाइम, 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 7 पर डिवाइड होगा, 7 1 टाइम। तो 1764 के फैक्टर राइट करेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब जिनकी बेसिस सेम है उनकी पार्स को ऐड करते हैं, 2 पार 2 हो जाएगा 1 × 2 × 3 पार 2 हो जाएगा 7 पार 2 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका स्क्वायर रूट जो है वो आप सेपरेट कर सकते हैं, तो मैं सबका स्क्वायर रूट सेपरेट कर रहा हूं। अब आपके पास एक डायरेक्ट वे होता है, आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें, इसकी रीजन मैंने बता दिया, स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है और वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, 2 × 3 × 7, तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, 7 3 × 21 21 2 × 42, तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसकी जिनकी बेसिस सेम थी उनकी पार्ट्स को ऐड करने के बाद उनका स्क्वायर रूट सेपरेट करने के बाद स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करने के बाद उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर रूट 42 आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है ये बात, जो हम बार बार कर चुके हैं, बार बार हम ये सीख चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत सिंपल सा काम है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन जो है वो क्यूब रूट वाला कर लेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन भी जो है कवर हो जाएगा। क्यूब रूट वाले भी आपके पास 2 वैल्यूज हैं, इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो सॉल्व कर लेते हैं, वो आपके पास C है 3375, क्यूब रूट ऑफ 3375, इसकी भी मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। एंडिंग डिजिट 5 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा 2 पे,
डिजिट्स को ऐड करते हैं, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 18, 18 3 पर डिविजिबल होता है, 3 वन टाइम, 3 वन टाइम एंड 3 टू टाइम, रिमाइंडर 1 5 के साथ कंबाइन होकर 15 बन जाएगा, तो 3 5 टाइम आपके पास आ जाएगा। अगेन इसके नंबर ऑफ डिजिट्स ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, 3 3 टाइम 9, रिमाइंडर 2 से 22 बना देगा, 3 7 टाइम और रिमाइंडर 1 से 15 बना देगा, 3 5 टाइम। अब अगेन इसको चेक करें, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, 15 3 पर डिविजिबल होगा, तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको कर देंगे इसमें 3 से डिवाइड, तो 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, रिमाइंडर 1 से 15 बना देगा, 3 5 टाइम। अब आपके पास डिजिट्स का जो सम है वो 8 आएगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 3 पे डिविजिबल नहीं होता, इसको 5 पे करेंगे क्योंकि एंडिंग डिजिट 5 है, 5 2 टाइम 10, रिमाइंडर 2 से 25 बना देगा, 5 5 टाइम, 25 भी 5 पे डिविजिबल होगा, 5 5 टाइम, और 5 एक प्राइम नंबर है तो ये 5 पे ही होगा, 5 वन टाइम। क्यूब रूट ऑफ 3375, 3 × 5 × 5 × 5 तो आर वन लगा देते हैं अपनी पास से, 3 वन टाइम, 3 टू टाइम, 3 थ्री टाइम, तो पार्स ऐड हो जाएंगी आपके पास 3 पार 3, इसी पैटर्न से 5 पार 3 भी बन जाएगा, 5 वन टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। अब इनके क्यूब रूट सेपरेट कर लेंगे, 3 पार 3 क्यूब रूट ऑफ 3 पार 3 क्यूब रूट ऑफ 5 पार 3, तो क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल होता है जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, कैंसिलेशन हो गई तो आपके पास आएगा 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 15। वही सेटअप स्क्वायर रूट वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके फैक्टर्स को स्क्वायर क्यूब रूट के अंदर राइट करने के बाद बेसिस सेम है पार्स को ऐड करने के बाद, जिनकी बेसिस सेम है पार्स को ऐड करने के बाद क्यूब रूट को सेपरेट करेंगे, क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो जो लोग मैथ में इंटरेस्ट लेते हैं, आज का लेक्चर तो हमारा इतना ही था, जो लोग मैथ में लेक्चर मैथ का लेक्चर लेते हुए अच्छा फील करते हैं और मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक मूवी है गिफ्टेड, ये आप लोगों ने देखनी है, काफी अच्छी बनी हुई है और मैथमेटिक्स से जो है मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज है, और जिन लोगों को गिफ्टेड का इंग्लिश एक्सेंट समझने में मसला हो वो लोग इसको देख सकते हैं। हिंदी डब्ड में, और ये बहुत अच्छी मूवी है जो कि मैथमेटिक्स के ऊपर बनी हुई है, जिसमें मैथमेटिक्स की प्रोग्रेस जो है वो दिखाई गई है और मैथ के अंदर 7 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें जो है मिलेनियम प्रॉब्लम कहा जाता है, आज तक जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें कोई भी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाया, वो सदियों से अभी तक साइंसदानों के सामने मैथमेटिशियंस के सामने एक चैलेंज की हैसियत रखते हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम जो है उसके सोल्यूशन पे बनी हुई है ये जो मूवी है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सका था लेकिन करीब करीब थी जो भी मैथमेटिशियन थी, तो ये एक अच्छी चीज़ है, उम्मीद है आप लोगों को देख के अच्छा फील होगा। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन। हाफिज़।